गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विद्यानंद सिन्हा डैफोडिल पब्लिक स्कूल के हिंदी शिक्षक आपको जो है हिंदी की कविता के बारे में पार्ट एक बताने जा रहे हैं। ये क्लास थ्री का है, इसका शीर्षक है आया बसंत। आया बसंत, आया बसंत, छाई जल में सोहा अनंत। बसंत ऋतु, जैसा कि आप जानते हैं, बसंत ऋतु के आगमन से हमें जो है सारे जग, सारे संसार में जो है उसकी शोभा ही अनंत अनंत हो जाती है। शोभा बहुत निराली लगती है। सरसों खेतों में उठी फूल, सरसों के खेतों में फूल जो है खिल उठती है। भौरे बौरे आमों में उठी जू, बौरे जो है आम की मंजरी, आम के पेड़ों पर जो है पूरे जो है मंजरी मंजरी ही मंजरी नजर आती है। बेलों में फूले नए, बेलों में जो है नए फूल लग जाते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, पल में ही पतझड़ का अंत हो जाता है। पतझड़ कहते हैं जिसको, जब पेड़ से सारे पत्ती गिर जाते हैं और नए पत्ती जो है लगते हैं, उसे ही बसंत ऋतु कहा गया। पल में पतझड़ का हुआ आया बसंत, आया बसंत। पतझड़ के बीतने के बाद बसंत आता है, लेकर सुगंध बह रही पवन। ये पवन भी जो है एक मधुर सुगंध लेकर बहने लगती है और जो है हरियाली छाई है वन वन, पूरे वन में जो है हरियाली छाई है। सुंदर लगता है घर आंगन, घर आंगन बहुत ही सुंदर लगता है आज मधुर सब दिग दिगन। और जो है आज जो है सभी दिशाओं में मधुर ही मधुर और जो है हरियाली नजर आती है। आया बसंत, आया बसंत। भौरे गाते हैं नया गान, भौरे जो है नया गान इस बसंत ऋतु में गाने लगते हैं। कोकिला कोयल छोड़ती कुहूता, कोयल जो है आम के मंजरियों पर बैठ करके जो है कुहू की तान छेड़ती है। सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब अंत, अब नहीं अंत। कवि जो है कहना चाह रहा है कि ये जो है बसंत ऋतु कायम रहे, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया बसंत, आया बसंत, मतलब बसंत ऋतु के आगमन पर जो है ये कवि नहीं चाहता है कि ये खत्म हो। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक ऋतु समय पर आती है और समय पर चली जाती है, लेकिन बसंत का आगमन बहुत ही जीवन में उत्साह भर देता है। और इस आया बसंत शीर्षक कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। कवि परिचय है, सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं की इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अब शब्दार्थ देखिए, अनंत जिसका अंत ना हो, बौरे कहते हैं आम की मंजरी, पतझड़ पेड़ से पत्तियों के गिरने का मौसम, सुगंध मतलब खुशबू होता है, पवन मीन्स पवन का मतलब हवा होता है, दिगंत का मतलब दिशा का अंत होता है। और इसमें अला इसके अलावा भी मीनिंग है जो आप जानते ही होंगे। कोकिला कहते हैं कोयल छोड़ती कुहूता, तो कोकिला का जो है कुहू कुहू करके बोलती है। ये बसंत ऋतु में ये होता है और बसंत ऋतु आने पर जो है पूरे जो है संसार में जो है एक नई शोभा जो है विराजमान होती है। सारे जग में जो है खुशी ही खुशी नजर आती है। और जो है इस कविता को बच्चों याद करेंगे और इसका शब्दार्थ भी याद करेंगे, कवि परिचय इसके बारे में भी आप याद कर लेंगे।